नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी। आपने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा होगा, 1.2 पढ़ा होगा, उससे भी इजी एक्सरसाइज है ये। इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, नया चीज़? हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है? तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब क्या होता है? थोड़ा सा पीछे आ जाइए, डायग्राम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन को अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो उन दोनों में अगर आप ऐड ही कर रहे हैं तो एक नया फंक्शन तैयार तो होगा ना, तो उसी को हम लोग कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन उसी को कहते हैं कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा को अगर ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, उसमें कोई नया नया फंक्शन तैयार हो, उसी को हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि ये एक सेट ए बी सी है, और इस सेट के अंदर मान लीजिए ये एक तरह का फैक्ट्री है, ये भी एक तरह का फैक्ट्री है, ये भी एक तरह का फैक्ट्री है। ओके, मान लेते हैं कि ग्रेफाइट का तो नाम सुने होंगे, जिससे पेंसिल बनता है, पेंसिल का नोक, ठीक है? ग्रेफाइट तो पत्थर होता है। यहाँ पर पहले आया इसमें पत्थर, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा बात को। इसमें पत्थर आया और इसमें जो है प्रोसेसिंग हुआ कुछ कुछ अपना, जो फैक्ट्री के अंदर होता है, ठीक है? एक्स एक तरह का क्या है? पत्थर है, ग्रेफाइट का, ठीक है? फिर यहाँ से ये एफ से होते हुए इस पर आया, यानी कि इनपुट हुआ आपका एक पत्थर एक्स, और आउटपुट निकल के जो आया है आपका एफ से होते हुए वो क्या बन गया? एफ एक्स बन गया, ठीक है? यानी कि वो जो पत्थर है वो पेंसिल का नोक के शेप में तैयार हो गया है, ठीक है? फिर इसी में क्या होता है कि यहाँ पर आने के बाद लकड़ी भी रहता है, जो कि लकड़ी और ग्रेफाइट का जो नोक होता है उसको मिला करके क्या बनता है? पेंसिल, एक पेंसिल तैयार होता है ना। तो इसी तरह से जो फंक्शन ऑफ एक्स है, अब इसमें क्या लग जाएगा? जी, यानी कि जी लग जाएगा अब उसके आगे, तो जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है? सबसे पहले एक्स आया इधर, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है? अब ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है इसके साथ आया तो जी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि इसके बीच में जो है क्या है, हम लोग ओ कहते हैं, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? जी ओ एफ एक्स, ठीक है? जी ओ एफ एक्स। ओके, कुछ कुछ आया होगा समझ में। या तो आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये गुजरात है, ठीक है? और ये मध्य प्रदेश है, ये आसाम है। ओके, तो मान लीजिए कि आप जो है कोई भी ट्रेन या फ्लाइट से गए गुजरात से कहाँ पर? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से कोई एक ट्रेन को चेंज किए जो कि जाता था आसाम, ठीक है? तो फिर ये आसाम गया। और मान लीजिए कि अब इन दोनों में, इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर है, और इन दोनों के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर है, ठीक है? अब डायरेक्ट आप गुजरात से जाते हैं कहाँ पर? आसाम, ठीक है? फ्लाइट से मान लीजिए चल गए, तो इसका मान लीजिए दो दो प्लस दो यानी कि 4000 किलोमीटर हुआ। तो आप मान लीजिएगा ना कि ए टू सी एक नया क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये इधर से ट्रेन से गए होंगे या जैसे भी गए होंगे, तो इसका डिस्टेंस अलग होगा, ठीक है? अब यहाँ से चल गया शॉर्टकट में एरोप्लेन से डायरेक्ट, ठीक है? तो किलोमीटर कम हो गया होगा। तो वही चीज़ है, इसका अलग नया फंक्शन तैयार हुआ होगा। कुछ कुछ आया समझ में? नहीं आया? जैसे मान लीजिए हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे सपोज डैट कि ये मेरा एक चार्जर है, ठीक है? जैसे कि आप तो जानते होंगे कि इसको हम लोग सॉकेट में लगाते हैं, इसके अंदर जो चिप है उसमें हीट एनर्जी जाता है, जो कि हम लोग का मोबाइल चार्ज होता है। ध्यान से सुनिएगा बात को। तो इसके अंदर क्या जा रहा है? हीट जा रहा है, सिंपल सा बात है, हीट जा रहा है, तभी ना चार्ज हो रहा है दोस्तों। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर हम कोई भी गर्म चीज़ रख देते हैं, जैसे चाय का बोतल ही रख दिया हमने, ठीक है? गर्म चाय का बोतल हमने इसके ऊपर रख दिया, तो ये तो हीट तो हो जाएगा। तो ये जब हीट होगा तो इसके अंदर जो भी चिप है वो भी हीट तो होगा ना, तो क्या मोबाइल चार्ज हो जाएगा? ऐसा नहीं ना होता है। समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? तो जैसे क्या हो रहा है,
हमने यहाँ पर सिर्फ क्या रखा, चाय और ये इसके ऊपर, यानी कि दो फंक्शन हमारे पास आया, एक चाय का कप आया और एक ये चार्जर हमारा। तो इस पे हम लोग फंक्शन जो किए उसमें चार्ज नहीं हो पा रहा था, नहीं ना हो पा रहा था चार्ज। जैसे सपोज डेट मान के चलिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखिएगा एकदम ध्यान से, आपको यूज़ भी आएगा लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर अपना चार्जर को रखा, ठीक है, मान लीजिए यही है, और क्या हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं इसके ऊपर गरम कप रख करके, ठीक है, मान लीजिए ये कप है, ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे तो क्या ये मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा? इसके अंदर जो चिप है हमारा, ये तो क्या नाम है, इस पर जाएगा जब हीट एनर्जी, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें एनर्जी आएगा, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी के कारण जो है क्या ये मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो आखिर मेथड क्या है? आप तो जानते हैं कि हीट से ही आता है, घर में जो लाइट आता है वो हीट से ही आता है। कैसे आता है कि अगर मान लीजिए कि, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, जरूरी है देखना, जैसे मान लीजिए कोयला है, ठीक है, अगर कोयला को हम जला करके इस पे रख देंगे तब क्या हीट आ करके इसमें लाइट उठ जल जाएगा या अपना चार्ज होने लगेगा? नहीं ना। तो जैसे मान लीजिए ये कोयला है, ठीक है, कोयला को हमने गर्म किया, क्या होता है प्रोसेस, मान लीजिए एक तरह का ये फंक्शन है दोस्तों, क्या ये फंक्शन है, कोयला को हमने यहाँ पर गर्म किया और गर्म करने के बाद फिर क्या जाता है, हम लोग वहाँ पर जो कोयला से बिजली पैदा करते हैं तो कैसे कैसे होता है, फिर कोयला से जब हम लोग गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं, पानी को, पानी को हमने यहाँ पर इसको गर्म किया, फिर पानी से क्या बना, भाप, स्टीम जिसको कहते हैं, ठीक है, फिर स्टीम के मदद से क्या होता है कि टरबाइन को घुमाया जाता है, ठीक है, फिर टरबाइन जो है वो घूमता है बहुत ही तेज़ी से, ठीक है ना, इसका टरबाइन मोटर जो है वो स्टीम, यानी कि स्टीम के मदद से घूमता है बहुत तेज़ी से, फिर ये जो घूम गया तो अब ये जनरेटर में जाता है, जो कि जनरेटर के अंदर मैग्नेट पूरा लगा हुआ रहता है, इसके अंदर मैग्नेटिक कॉयल लगा हुआ रहता है, फिर इसके अंदर जा करके रिपल्सन होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फिर वही इलेक्ट्रिसिटी आता है हमारे घर में, कैसे आता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू, ताकि वोल्टेज को कम किया जा सके, तब ना मोबाइल चार्ज होता है। तो देखिए कितना सारा फंक्शन है ना, कितना सारा फंक्शन, 1 2 3 4 5, बहुत सारा फंक्शन है ना। तो यही चीज़ है, ठीक है, यही चीज़ है, जो आपने पढ़ा था पहले वो किस तरह का पढ़ा था, इस तरह का, मात्र दो सेट में आप फंक्शन निकालते थे, अभी क्या है ना कि दो या दो से ज़्यादा का हम लोग को निकालना है फंक्शन। आया समझ में कुछ कुछ चीज़? देखिए अब ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर तो एक सेट हमारा ए है, इसमें एक्स है, ठीक है, और इधर हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, और ये हमारा जी एक्स, कैसे बन रहा है ये, कैसे बन कैसे रहा है, यहाँ से हम लोग भेजते हैं, याद करिए तो एक फंक्शन बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ए टू बी हो गया, क्या हो गया, ये जो हमारा फंक्शन है सच डैट ए टू बी, अब हमारा जो बी टू सी हो जाएगा, अब इसका अलग नाम रख दीजिए, इसका अलग नाम जी रख देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये जो एक्स है यहाँ पर आया फंक्शन से होते हुए, तो बन गया क्या, एक्स डाले तो बन गया फंक्शन ऑफ एक्स, इस फैक्ट्री में डाले क्या एक्स तो बन गया क्या फंक्शन ऑफ एक्स, इस फैक्ट्री में हम लोग डाले फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये होते हुए प्रोसेसिंग होते हुए आउटपुट हमारा क्या तैयार हुआ, सॉरी देखिए यहाँ पर छूट गया ना, जी फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, जिसको हम लोग जी ओ एफ एक्स कह सकते हैं। अब बोलिए ओ कहाँ से आ गया जी, तो ओ देखिए जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इसको कहते हैं ना, तो इसी तरह से इसके बीच में आप एक ब्रैकेट भी दे सकते हैं, थोड़ा गंदा हो गया है, थोड़ा समझ लीजिएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है, आया समझ में, तो ये चीज़ तो आ गया समझ में, यानी कि जी ओ एफ बन जा रहा है, कैसे बन रहा है, इस तरह से, यानी कि ये जो एक्स था वो क्या बन गया अंतिम में जा करके, जी ओ एफ, कैसे बन गया, ए टू सी, ये क्या है, सी है, ओके, जो जो जैसे जैसे काम कर रहा है, जैसे हमने लिख दिया कि ये जो फंक्शन का था किस तरह से काम किया, ए टू बी, अब इसका लिख दीजिए जी का, कैसे, जी का जो है
वो बी टू सी, बी टू सी। अब ए टू सी का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जी ओ एफ आ रहा समझ में, जी ओ एफ लिख दीजिए, जी ओ एफ ठीक है, ए टू सी इस तरह से होगा। अब मान लीजिए कि हमको एफ ओ जी निकालना रहता, सपोज डैट एफ ओ जी निकालना रहता, तो हम क्या करते कि यहाँ पर इसको चेंज कर देते, किस तरह से, ये आपका चेंज हो जाएगा, एफ के जगह पर अब आपका जी हो जाएगा और इधर आपका एफ हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स ही रहेगा। और यहाँ पर अब देखिए, ये एक्स को लाए 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 यहाँ पर फैक्ट्री से, तो क्या बन जाएगा ये, आप आपका जी एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये जी एक्स को लाए एफ से टकराते हुए आया, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एफ जी एक्स, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इज इक्वल टू एफ ओ जी एक्स। ये सब बेसिक चीज़ है, समझिए थोड़ा सा, फिर तो बनाना है ही, आ रहा है समझ में सब चीज़ अच्छे से। चलिए कुछ कुछ आया होगा समझ में। अब इसमें इसी तरह से लिख दीजिए, यानी कि किस तरह से काम हुआ, इसमें जो है जी का क्या, ए बी सी, और इसमें अब हो जाएगा क्या, एफ ओ जी एक्स, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आया था वो क्या था, एफ ओ जी एक्स। तो जी में कैसे हुआ काम, ए टू बी, यानी कि ए टू बी, और एफ में बी टू सी, और एफ ओ जी में, एफ ओ जी में किस तरह से काम हुआ, एक्स लिखना जरूरी नहीं है, एक्स इसमें जो है लिख दीजिए किस तरह से, ओ हो, ए टू सी, ए टू सी, आगे समझ में अच्छे से, एफ ओ जी सच डैट ए टू सी। अब आप बोलिएगा कि एफ ओ जी और जी ओ एफ में क्या अंतर है, जैसे यहाँ पर एफ ओ जी आया और यहाँ पर जी ओ एफ एक्स आया, इसमें क्या अंतर है, तो बस यही अंतर है कि सबसे पहले जो है जी ओ एफ में फंक्शन ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले काम किसको करते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्स को, फिर उसके बाद जी को काम करेंगे। और इसमें क्या होता है कि जी ऑफ एक्स को सबसे पहले इस पर काम किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद एफ को किया जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ रहा समझ में, चलिए बहुत इजी था दोस्तों, बच्चा जैसा था। तो अब आप बोलिएगा कि इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है किधर, जैसे देखिए सपोज डैट कि हमने यहाँ पर दो फंक्शन यहाँ पर लिया, कहाँ पर है दो फंक्शन, पहला तो ये एक फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पर बन रहा है ना एक फंक्शन, और इन दोनों में दूसरा फंक्शन बन रहा है, तो इन दोनों में हमने क्या किया कि एक फंक्शन तैयार किया, एक फंक्शन तैयार किया यानी कि कंपोजिशन किया, ठीक है, तो हमारा कैसा बन गया, ए टू सी बन गया डायरेक्ट, सिर्फ ए और सी से मतलब हम लोग को रखना है, ठीक है, सिर्फ ये दोनों बन गया, इसी को कहते हैं हम लोग एक फंक्शन तैयार हो गया, ठीक है, दो फंक्शन था, हम लोग दोनों फंक्शन को किस तरह से काम किए, जो कि बना दिए उसको एक फंक्शन, इसमें भी एक फंक्शन उसको बना दिए, ठीक है, यही करना है। अभी तो हम लोग दो ठो देखे थे ना, और तीन चार पाँच भी आ सकता है, जैसे जैसे बस उसी तरह से काम करना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, और एकदम आराम से देखिएगा, बहुत इजी है, ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.3 को शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, लेट फंक्शन एफ सच डैट, यहाँ पर जो सेट है यानी कि सेट उसमें है 1 3 4, ठीक है, से ले करके 1 2 5, ओके, यानी कि यहाँ पर एक सेट में ये है एलिमेंट और दूसरे सेट में ये है, इसी तरह से जी में भी है, याद है अभी हमने निकाला था, उसी तरह से जी में क्या है कि 1 2 5 है एक सेट में और दूसरे सेट में है 1 3। सबसे पहले आराम से क्या करिए कि इसका डायग्राम बनाइए, फंक्शन 1 3 4, ओके, और ये आपका जो है जैसे हम लोग बोलते थे ना ए टू बी, एकदम आराम से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा, 1 2 5, ठीक है, तो इसका क्या करिए, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए,
तो ए के जगह पर याद करिए और बी के जगह पर किस तरह से लिखे थे। यहाँ पर ए के जगह पर हम लोग लिख देंगे 1 3 4, एक सेट में हमने लिख दिया। और ए मत लिख दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। और इसमें लिखिए 1 2 5, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से आप क्या करिए कि अब जी का जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। जी का नहीं, अभी इसको मत लिखिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को मिलाना भी है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। और जी का तो हम लिखेंगे ही। बोल रहा है कि एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर पेयर में दिया गया है एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर में 1 2, यानी कि 1 का जो इमेज है वो क्या है, 2 है, 3 का इमेज 5 है, 4 का इमेज 1 है। तो ऐसा करते हैं कि उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 1 2 3 5 और 4 1, ठीक है। अब क्या करिए कि 1 का इमेज क्या है, 2 है ना, तो अब उसको मिलाते हैं, खोजिए इधर, 2 इधर है तो इसको मिला दीजिए यहाँ पर। 3 का इमेज 5 है, 4 का इमेज 1 है, यानी कि सब एलिमेंट का जो है अलग अलग इमेज आ रहा है। इसका मतलब ये जो है 1 1 फंक्शन है, याद करिए एक्सरसाइज 1.2 में पढ़े थे ना हम लोग 1 1 फंक्शन। और ठीक है, 1 1 फंक्शन तो है, लेकिन हमको यहाँ पर कुछ उससे लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हमने यहाँ पर मिला लिया। चलिए अब क्या करते हैं, एफ का तो पूरा काम हो चुका, अब जी का काम करते हैं, ठीक है। तो जी में क्या है, ध्यान से देखिए इसमें डिफाइन किस तरह से किया गया है एफ। अब जी का भी बना देते हैं। जी में क्या है कि 1 2 5, 1 2 5, 1 3, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर 1 3 2 3 5 1, ओके। तो 1 का इमेज 3, उसी तरह से ऐसे ही मिलाना है। क्या करना है जी, ठीक है, आ रहा समझ में अच्छे से। और ध्यान से देखिए, इसमें 1 से 3 को मिलाना है, 1 से 3 को मिला दीजिए, और 2 को 3 से मिलाना है, 2 को भी 3 से मिला दीजिए, 5 को 1 से मिलाना है, ओके, ठीक है, आए समझ में। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए सब समझ में आ जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग अच्छे से काम कर चुके हैं। राइट डाउन जी ओ एफ, राइट डाउन जी ओ एफ, यानी कि हम लोग को गॉफ निकालना है। जी ओ एफ को हम लोग गॉफ कहते हैं। तो गॉफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, याद करिए, अभी हमने पढ़ा था ना डायग्राम, याद करिए उस तरह का। इसी तरह से हम लोग अब जी ओ एफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एकदम आराम से देखिए सब समझ में आ जाएगा। ऐसा है कि सबसे पहले क्या करिए कि जी ओ एफ निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स लेना पड़ेगा। तो किस तरह से लिख लीजिए इसको, फंक्शन ऑफ एक्स ले लीजिए। अब आप बोलिएगा कि कहीं भी क्वेश्चन में एक्स तो है नहीं, कैसे ले लिए। तो एक्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ, जितना ही वैल्यू आएगा, जितना ही वैल्यू आएगा, यानी कि फंक्शन ऑफ 1 का जो इमेज है वो 2 निकला था ना, फंक्शन ऑफ 3 का जो इमेज है वो 5 निकला था, तो उसके जगह पर काम आएगा। आप यहाँ पर वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, आप फ्री है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर जी ओ एफ एक्स ले लिया, ओके। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, देखिए यहाँ पर टारगेट, देखिए इस चीज़ पर फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमको सब का निकालना पड़ेगा पारा पारी, एकदम आराम से दिखिएगा। तो एफ पर हम लोग आएंगे, तो फंक्शन ऑफ 1 का जो वैल्यू है, यानी कि इसमें हम लोग मशीन में हमने 1 रखा था, तो हमको जो आउटपुट आया है वो कितना है, 2 है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर इसमें 3 डाला तो क्या पैदा ले लिया, 5। और यहाँ पर हमने 4 इस मशीन के अंदर डाला तो हमारा जो पैदा लिया बाहर निकल के वो 1 आ गया, ठीक है। आर असल में तो ये तो आपका फंक्शन ऑफ एक्स था। तो जरूरी है कि कन्फर्म है कि जी का भी लिखना होगा, क्योंकि हम आपको अभी बताए थे कि जी ओ एफ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले काम किसको करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स को, फिर उसके बाद जी को भी तो करेंगे, तो लिखना जरूरी है उसको भी। तो जी का क्या है, जी का जो है यहाँ पर 1 है, 2 है,
फाइव है, एकदम आराम से देखिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहला क्वेश्चन अगर आप देख लीजिएगा तो बड़ा ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो इमेज है वो क्या है, थ्री। उसी तरह से हमने इस फैक्ट्री के अंदर डाला, आउटपुट हमारा ये निकला, इसमें थ्री निकला, वन निकला। ओके, ये बस हम वैल्यू लिख लिए तो बड़ा ही आसानी हो जाएगा हमको अब बनाने में। चलिए ठीक है, देखिए जी ओ एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ओ है ना तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स लिख दीजिए एकदम आराम से। आप इसको ऐसे बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि आप फंक्शन ऑफ एक्स पारा पारी लीजिए और बनाते जाइए मज़े से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या करना है, जी ओ एफ वन रखा हमने, वन रखा, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जी अब यहाँ पर वन रखिए, आ रहा समझ में, वही चीज़ है, यानी कि हमने यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रख दिया, वन। अब इसका जो आउटपुट है वो क्या निकला, फंक्शन ऑफ वन का जो वैल्यू है वो क्या है, टू है ना, तो जी को वैसे ही लिखिए और इसके जगह पर क्या है, टू है, मज़े से टू लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब जी ऑफ टू का वैल्यू खोजिए, तो खोजिए तो किधर है ना, यहाँ पर देखिए, तो जी ऑफ टू का वैल्यू थ्री है, एकदम आराम से थ्री लिख दीजिए, यानी कि जी ऑफ वन का वैल्यू हमारा कितना आया, थ्री आया, क्या आया, थ्री आया। इसके बीच में प्रोसेस होते गया होते गया होते गया, अंतिम में जो रिजल्ट आया वो थ्री आया, आया सर में। अब इसी तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, चलिए जल्दी से निकालिए। अब इसका बारी है थ्री का, और फंक्शन ऑफ थ्री, अब फंक्शन ऑफ थ्री का वैल्यू कितना है, फाइव है, मज़े से बैठा दीजिए, फाइव। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पर वन है, आराम से लिखिए वन, ठीक है, यानी कि हमने इसका भी वैल्यू निकाल लिया। अब आप बोलिए कि जी ओ एफ हमको सिर्फ निकालना है, ना कि वन निकालना है ना कि थ्री, लेकिन निकालना दोस्तों ध्यान से समझिए, निकालेंगे पहले हम लोग पारा पारी, इसको तो पहले निकाल लें, जी ओ एफ फोर का वैल्यू, इधर फोर रखिए, अब फंक्शन ऑफ फोर का जो वैल्यू है वो है वन, ठीक है, इधर वन हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या है, खोजिए, इधर है थ्री, थ्री लिख दीजिए, आ गया समझ में, यानी कि हमने जी ओ एफ वन थ्री फोर निकाल लिया, आ गया समझ में। अब हमको जी ओ एफ कैसे निकालें, जी ओ एफ एक्स जो है हम कैसे निकालें, तो सिंपल सा बात है, आराम से निकाल सकते हैं इसका, यानी कि हमने यहाँ पर वन रखा था तो हमको रिजल्ट क्या मिला था, थ्री, थ्री रखा था तो हमको मिला रिजल्ट वन, फोर रखा तो हमें रिजल्ट मिला थ्री, बस यही तो है जी ओ एफ, ठीक है। तो डैट इज जी ओ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पर वन रखा, यानी कि वन का इमेज क्या रहा है, थ्री, आ रहा है समझ में, नहीं आया समझ में, देखिए डायग्राम पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर याद करिए कि इन दोनों में मिलाप किया, फिर इन दोनों में मिलाप किया, हमको क्या निकालना था, जी ओ एफ, हमें गुजरात, याद रखिए हम जो अभी बताया था थोड़ा देर पहले, गुजरात से आसाम की दूरी निकालना था, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट, कि हमने यहाँ पर वन रखा तो क्या आया रिजल्ट, तो यही चीज़ है, हमने यहाँ पर वन रखा तो अंतिम में जो रिजल्ट आया है वो डायरेक्ट थ्री आया, इसके बीच में जो भी हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमने निकाला, थ्री आया, यानी कि जैसे हम यहाँ पर रखे थे ना वन, वन रखे थे ना तो वन का इमेज टू आ रहा था, इसी तरह से अब आप वन रखिए तो थ्री आ गया, थ्री रखा तो वन आ गया, फोर रखे तो थ्री आ गया, एकदम आराम से समझना है, पूरा क्लियर हो जाएगा सब चीज़ बढ़िया से, मजबूत हो जाएगा, कभी भूलिएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जी ओ एफ हमारा ये चीज़ अच्छे से निकल गया, यही तो था हमारा वैल्यू। चलिए आगे समझ में दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन, अब ऐसा करते हैं कि दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एकदम आराम से देखिएगा, बहुत ईजी है। क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू में बहुत इजी है, बोल रहा है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन, यानी कि
देखिए यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दो तरह का फंक्शन पढ़ा था एफ और जी के बारे में, लेकिन यहाँ पर अब तीन तरह का फंक्शन आ गया है एफ जी एच। ठीक है, तो क्या कहता है कि फ्रॉम आर टू आर, यानी कि वो रियल नंबर से रियल नंबर तक है। ओके, फ्रॉम आर टू आर, यहाँ पर इसमें दो ठो क्या करना है, बराबर दिखाना, यानी कि सो डैट करना है, प्रूव करना है कि एफ प्लस जी ब्रैकेट में ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। चलिए देख लेते हैं, बहुत इजी है। तो सबसे पहले इस पर आते हैं, इस तरह से लिखिए, सबसे पहले लिखिएगा कि फंक्शन सच डैट रियल टू रियल, ओके, जी में भी रियल टू रियल, तीनों में है, एच एच में भी रियल टू रियल। ओके, और इसमें क्या कर लीजिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए पहले और इसको आप सॉल्व करिए और दिखलाइए इसके बराबर। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से बनाना है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करिए कि एफ प्लस जी है ना, अब ओ एच को भी लिख लीजिए और साइड में एक्स ले लीजिए। ठीक है, साइड में क्या करिए, एक्स ले लीजिए, ये ओ एच ब्रैकेट ब्रैकेट। एक्स क्यों ले रहे हैं, हम आपको जैसे ही बताए थे कि आपको क्या करना है, एफ ओ जी एक्स देखते हैं ना, या एफ ओ जी एक्स या जी ओ एफ एक्स देखते हैं, इस तरह का देखते हैं ना। तो एक्स लेने से क्या हो जाता है कि क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होने लगता है। फिर एक्स को हटा देंगे, अभी लिए है ना तो हटा देंगे बाद में। ठीक है, और क्या करते हैं कि अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ओ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ओ का मतलब ब्रैकेट। तो क्या करिए कि एफ प्लस जी और यहाँ पर ब्रैकेट ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट ले लीजिए, एच एक्स लिखा हुआ है ना, तो एच लिखिए और एक्स जो है वो ब्रैकेट में है, एकदम आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत, आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं ना ऐसे, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन था, आ रहा है ना समझ में। जैसे यहाँ पर देखिए ऐड करना है हम लोग को, अब इसके नीचे जो है क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम आपको शुरू में भी बताए थे कि फंक्शन को यहाँ पर क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऐड करने के लिए बोला गया है, तो कोई दिक्कत, यहाँ पर ओ को हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लिख लिए बहुत ही आसानी से। अब क्या करेंगे कि तोड़ देंगे इसको, अब एफ को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, आप एफ एफ से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, अब ये ब्रैकेट इधर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों। अब इसी तरह से जी को भी करिए, प्लस जी, कोई दिक्कत, आ रहा समझ में अच्छे से। अब क्या करिए कि अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एच लिख सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह का है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है, इसीलिए एफ ओ एच। अब ये एक्स है, आप आराम से एक्स लिख दीजिए, और इसमें भी उसी तरह से जी ओ एच, देखिए आ रहा है ना आंसर, जी ओ एच, और यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब एक्स और एक्स को हटाना है ना, क्योंकि हम लोग जानबूझ करके लिए थे इसमें, ठीक है, प्रूफ करने के लिए, ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वाई भी ले सकते हैं। तो एक्स को क्या करिए, अब कॉमन ले लीजिए, क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, एक्स को हम लोग कॉमन ले रहे हैं ना, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई भी दिक्कत ही ना है। तो अब क्या करिए कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसको भी रख लीजिए, क्योंकि हमारा आ चुका है, एक्स को हटाना है इसीलिए। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में एफ ओ एच प्लस जी ओ एच लिखा हुआ था और उसमें भी इसी तरह से हम एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे हम लोग इसमें किए थे, ठीक है ना, अब एक्स और एक्स को तो काट के हटा सकते हैं ना, तो हमारा बराबर आ गया ना, बराबर हो गया, प्रूव, ठीक है, प्रूव्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ
डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन जी, फिर ब्रैकेट में ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच दिखाना है। अब जैसे उसमें बनाए थे अब इसमें भी उसी तरह से बना लेना है, बन जाएगा आराम से बन जाएगा। चलिए जल्दी से बनाते हैं इसको, बहुत ईजी है, उसी तरह का है। क्या है कि एफ ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच ब्रैकेट में डॉट जी ओ एच, एकदम आराम से देखिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए इधर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को इधर ले लिया हमने, क्या लिया, एफ डॉट जी ओ एच। ठीक है, अब इसमें आपको एक्स लगाना है, ओ एच, तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, एक्स को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करना है, अब इसमें जो है ओ को हटाइए और ब्रैकेट लगाइए जैसे हमने उसमें लगाया था। ठीक है, तो एफ ओ को हमने हटाया तो ब्रैकेट लगाया और फिर इसके बाद एच, फिर इसके बाद एक्स ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए कि आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मज़े से बांट दीजिए, तो एफ को भी बांट दीजिए और जी को भी बांट दीजिए। एफ जो है जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, फिर इसके बाद डॉट है, फिर जी, इसी तरह से इसमें भी करिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है, अब जो है क्या करिए कि एक्स और एक्स को फिर से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, एक्स और एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो एफ ओ एच लिखिए पहले और फिर यहाँ पर एक्स को इधर लीजिए और जी ओ एच, क्योंकि हमको यहाँ पर बराबर दिखाना है, एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, इसीलिए लिखना है ऐसा, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए और चलिए। हाँ, आगे समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है एफ ओ एच, हाँ ठीक है, और जी ओ एच, बहुत ईजी है दोस्तों। ठीक है, और एक्स को आप बाहर निकाल दीजिए। अब इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो एक तरह से वही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में, अब क्या करिए कि राइट हैंड साइड वाला जो भी चीज़ था आप उसको लिख दीजिए, उसमें एक्स लगा दीजिए, हो गया, कहानी समाप्त। एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, मतलब एक्स जहाँ से आया था वापस अपने जगह पर चला जाएगा। अब इसमें भी मान लीजिए एक्स लगाया जैसे हमने इसमें लगाया था, तो एक्स और एक्स काटिएगा तो वापस से अपना ये बराबर आ गया, तो डायरेक्ट लिख दीजिए प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत इजी था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि जी ओ एफ निकालिए और एफ ओ जी निकालिए। जी ओ एफ तो निकालना सीखे होंगे इस तरह से, अब नया चीज़ क्या है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मोड 5x-2। चलिए इसको अब निकालते हैं, जी ओ एफ और एफ ओ जी, बहुत इजी है, निकल जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम आराम से देखिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर आया तो निकला क्या आउटपुट हमारा, मोड एक्स, एकदम आराम से देखिए, एकदम आराम से। एंड जी एक्स इज इक्वल टू क्या निकला, 5x-2 का मोड, ओके। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं जी ओ एफ से, तो जी ओ एफ क्या हो जाएगा, जी ओ एफ, तो अब क्या लिखें यहाँ पर, एक्स लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पूरा जो है जितना भी क्वेश्चन सब एक्स के रिस्पेक्ट में ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स लिख दिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ एक्स ध्यान से सुनिए, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है हमारा मोड एक्स, तो एकदम आराम से यहाँ पर मोड एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब आते हैं किस पर, किस पर आएंगे पता है, अब आएंगे इस पर, तो आप बोलिए कि यहाँ पर तो हम सिर्फ एक्स देखते तो डायरेक्ट हम ये लिख देते, लिख देते ना, अब ये मोड आ गया है तो हमको बहुत ही परेशान करेगा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, क्या होना है यहाँ पर, यानी कि एक्स जहाँ जहाँ रहेगा
वहाँ पर मोड एक्स लगा देंगे। क्या करेंगे? मोड एक्स लगा देंगे, यानी कि देखिए ध्यान से, देखिए एक्स यहाँ पर है ना, यानी कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो क्या है यहाँ पर। तो ऐसा करिए, यही ना फंक्शन ऑफ एक्स, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पर जहाँ पर एक्स रहेगा वहाँ पर क्या लगा देना है? मोड एक्स। तो कैसे लगाइएगा? फाइव, यहाँ पर इसके अंदर ही मोड एक्स लगाना होगा, ठीक है? इस तरह से बड़ा ही सिंपल सा था, सिंपल सा था, ठीक है? आया समझ में? अगर यहाँ पर रूट रहता तो हम यहाँ पर रूट लगा देते, इसी पर लगाते, एक्स पर ही। ओके, अब हम तो जी ओ एफ निकाल लिए, जी ओ एफ एक्स निकाल लिए। अब बारी है किसका? अब बारी है एफ ओ जी का। चलिए जी, इसमें भी एफ लगाइए और आगे बढ़ते हैं। तो एफ जी एक्स, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहले जी एक्स पर। तो जी एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है? 5x-2। आराम से लिख दीजिए उसकी जगह पर, 5x मोड 5x-2। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ना है। अब हम देखेंगे क्या चीज़ देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जी एक्स के जगह पर हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया। अब फंक्शन ऑफ जो भी है, फंक्शन ऑफ एक तरह से एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हम जाएंगे कहाँ पर? भाई गुरुजी के पास यहाँ पर आना होगा हमको, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स तो इधर ही है और तो कहीं नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है, मान लीजिए जो भी है उससे कोई मैटर नहीं, हम एक तरह से मोड 5x-2 को हम लोग एक्स ही मान रहे हैं। तो वो जैसे ही आउटपुट निकलेगा तो वो बन जाएगा क्या? मोड, यानी कि ये भी एक्स था, ये भी एक्स था, बस क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसमें से आप जैसे ही आउटपुट निकालिएगा, इस केस के हिसाब से वो मोड का भी मोड हो जाएगा, ठीक है? 5x-2। आया समझ में? यानी कि ये एक तरह से एक्स था जो कि हमने बाहर निकाला, तो एक और मोड इस पर चढ़ गया। बहुत ईजी था, बहुत ईजी था ना? आगे समझ में? चलिए अब ऐसा करते हैं कि अब आप बोलिए कि मोड के अंदर मोड है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं, वही चीज़ लिखाएगा, मोड ही लिखाएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। 5x-2, ये आपका एफ ओ जी है। आगे समझ में? बहुत ईजी था। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा है, दूसरे पेज में बढ़ते हैं। क्या है दूसरा नंबर? एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी लिखा हुआ है लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ एंड जी एक्स इज इक्वल टू x^1/3। ओके जी, ठीक है, बड़ा ही आराम से देखना है, कोई घबराना नहीं है। क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले जी ओ एफ निकालना है। आ जाइए लाइन पर, जी ओ एफ फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, पता ही है। चलिए अब सबसे पहले टारगेट है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू, यहाँ पर सिंपल सा है, जी लिखिए और उसकी जगह पर बैठा दीजिए 8x³। मजे से अब इस पर आएंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब जी पर आएंगे। ये क्या है? जी। तो जी एक तरह से ये क्या है? एक्स के नज़र में है, एक तरह से, ठीक है ना? इसी के नज़र में है, बस यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या बैठा दिया गया है? 8x³। तो क्या निकलेगा, क्या हम बैठाएं? बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। जो भी आप रख रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक्स था तो आउटपुट निकला था एक्स का पावर 1/3। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, लगता है बुलेट पार हुआ बहुत जोर से, इतना तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, बहुत साउंड पोल्यूशन करता है, ठीक है? और ख़ास करके बुलेट में जो आप लोग पटाखा साउंड लगाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, रात में खास करके, किसी को भी हार्ट पेशेंट को डिस्टरबेंस हो सकता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपने टॉपिक पर फिर से डिस्टर्ब कर दिया था इसीलिए। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एकदम आइए, फोकस करिए इस पर। जी का यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वो आउटपुट निकल रहा है क्या? एक्स का पावर 1/3, ठीक है? यानी कि एक तरह से ये क्या है? एक्स ही है। तो इसको आउटपुट निकालिए फटाक से, क्या है जो लिखा हुआ है वैसे ही लिखिए, ठीक है? तो हम यहाँ पर 1/3 को छुपा दिए, यानी कि एक्स जो चीज़ था, अब
एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, 1/3 आ गया, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, 1/3 आ गया दोस्तों। तो क्या करिए, 1/3 लिख दीजिए। ओके, आया समझ में? तो अभी इसको क्या करना है आपको, इसको ब्रैकेट में मत रखिए दोस्तों, ब्रैकेट में बिल्कुल भी नहीं। तो इसी को हम लोग बना रहे हैं, जी ओ एफ को ही अभी हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो हमारा यहाँ तक तो आ चुका था, अब यहाँ से कंटिन्यू करना हम लोग को। तो देख रहे हैं कि ये जो है 2x का पावर 3 हो जाएगा। फिर से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8x³ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1/3 पहले से मौजूद। अब ये 3 3 काट दीजिए, कितना बचा, सिर्फ 2x बचा। तो जो हमारा जी ओ एफ एक्स आया वो कितना आया, 2x आया। ओके, आगे समझ में अच्छे से? अब करना क्या है आगे का, आगे जो है जी ओ एफ तो निकल गया, अब एफ ओ जी का बारी है। तो एफ ओ जी एक्स, तो इसको हम लोग पता ही है किस तरह से लिखते हैं। चलिए फंक्शन ऐसे ही लिखिए, जी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, x³ 1/3, ठीक है। एकदम आराम से अच्छे से लिखिए, 1/3, ध्यान से समझिए, मज़ा आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। ये तो हो गया, अब हम लोग फंक्शन की ओर देखेंगे। फंक्शन की ओर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, जैसा कि हमने इस पर देखा था, देखा था ना, देखा था ना। अब इस पर भी उसी तरह से देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x का पावर 1/3 है। तो इससे बाहर निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8x³, 8x³। तो यहाँ पर तो 1/3 है, तो क्या होना चाहिए, तो एक तरह से और कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो कैसे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए कि ये x को छुपा दिया, सपोज डैट एक्स का पावर जो 1/3 है उसको छुपा दिया। तो अगर ये रहता तो क्या निकलता, 8x³ निकलता ना। तो उसी तरह से 8x³ मजे से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1/3 था ना, तो 1/3 एकदम आराम से बैठा दीजिए। अरे असल में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। देखिए जैसे यहाँ पर 1/3 हमने छुपाया, क्या निकलता अगर ऐसा रहता, तो 8x³ निकलता ना। तो चलिए मान लीजिए कि ये 1/3 हमने छुपाया हुआ था, तो 8x³ लिखा, अब 1/3 पहले से मौजूद था, 1/3 हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आ गया होगा समझ में, अब जो है यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, सिर्फ 8x बचा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 8x आ गया दोस्तों। हाँ, और भी कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, यही तो निकालना था, जी ओ एफ और एफ ओ जी हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 6x-4, ठीक है। एक्स जो है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है 2/3 के, सो डैट एफ ओ एफ एक्स। अब आप बोलिएगा कि एफ ओ एफ कहाँ से आ गया, अभी तक तो हम एफ ओ जी पढ़े थे, जी ओ एफ पढ़े थे, लेकिन एफ ओ एफ कहाँ से आ गया। देखिए दोस्तों, कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है क्या, फंक्शन ऑफ एक्स पर, जो कि आपका वैल्यू दिया हुआ है, और आराम से बनाना है, ठीक है। एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। सो करना है, यानी कि प्रूव करिए कि ये एक्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल एक्स जो है वो 2/3 के बराबर नहीं है, यानी कि हर एक केस में 2/3 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। वाट इज़ द इनवर्स ऑफ एफ। अब आप बोलिए कि इनवर्स, ये इनवर्स क्या है, नया नया हम सुन लिए। तो इनवर्स बहुत इजी चीज़ है दोस्तों, बहुत इजी है। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखला दे रहे हैं, एक इनवर्स टॉपिक भी है, उसको पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा। इनवर्स का मतलब होता है क्या, क्या होता है, उल्टा ना, उल्टा। जैसे यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन में किस तरह से इनवर्स को पढ़ना है, देखिए कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो है वो 1 1 आ रहा है, 1 1 हो रहा है मान लीजिए, और ऑन टू भी हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो रहा है। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, पता है ना। ये अगर हो जाए तो समझिए कि वो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स का मतलब जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 लिखा हमने, ए बी सी लिख लिया, चलिए इसको इसको मिला दिया हमने,
एक तो ये 1-1 भी है क्योंकि सब का सब डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, और दूसरी बात कि ये जो है ऑन टू भी है क्योंकि इसमें से कोई भी एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर मान लीजिए इधर मूव कर देते हैं, सपोज डैट हमने यहाँ पर ए बी सी लिख दिया और 2 3 4, तब भी ये जो है अगर क्या नाम है पेयर में हो रहा है, ठीक है, पेयर में हो रहा है तब ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, तब ये इन्वर्स हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है, जब कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू हो उसको हम लोग इन्वर्स फंक्शन कहते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन तो जो भी था उसको पहले लिख लेते हैं, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 6x-4, ओके। चलिए और यहाँ पर एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 2/3, सो डैट क्या करना है, एफ ओ एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, सो डैट एस टी। चलिए प्रूफ करते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसमें जो है ध्यान से सुनिए, अगर ये एक्स के बराबर हो जाता है तब ये तो 1-1 हो जाएगा, तब ये तो 1-1 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऑन्टो भी तो चाहिए, तो ऑन्टो भी निकालेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं कि एक्स के बराबर है कि नहीं, प्रूफ करना है। तो आइए लाइन पर आते हैं, इसी को हम लोग LHS को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लिया जाए तो एफ ओ एफ, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है एफ आराम से लिखिए, और फंक्शन ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो एकदम लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 4x+3 6x-4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना हम लोग को, अब यानी कि क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स पर ध्यान दीजिए, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, 4x+3/6x-4, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए ध्यान से, ठीक है। यानी कि अब जो है हम क्या करेंगे कि इसके जगह पर रखेंगे, तो एक्स के जगह पर हमको क्या रखना होगा, ये पूरा वैल्यू रखना पड़ेगा, एक्स के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 4x+3/6x-4। चलिए अब इस पर आते हैं डायरेक्ट, 4x+3 6x-4 का जो वैल्यू है वो आएगा, क्या है इसके बाद, 4 है ना, 4 × x है, तो x के जगह पर ये पूरा पूरा, ठीक है, तो लिख दीजिए इस तरह से, 4x+3 6x-4, एकदम आराम से लिखिए, फिर +3, अब इसी तरह से इसमें भी 6 × 4x+3 6x-4 -4, ठीक है। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मजे से, फंक्शन 4x+3 6x-4, इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 4 16x+12, और ये 6x-4 जस का तस रह जाएगा +3, ओके। अब नीचे जो है 6 4 24x 6 3 18 6x-4 -4, ठीक है। अब आप इसको और इसको डायरेक्ट मत काट दीजिएगा, पहले आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। अब यही चीज़ हम यहाँ पर आप उतार सकते हैं, ठीक है, तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6x-4, कोई दिक्कत, तो इसमें आप डिवाइड करिएगा तो 1 बार में 1 × ये पूरा सेम टू सेम उतर जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करिएगा तो ये पूरा 1 मतलब 6x-4 बार में जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा +3 × 6x-4। अब इसी तरह से नीचे किया जाए, 6x-4 एलसीएम लिया हमने और 24x+18, ठीक है,
यहाँ पर माइनस है ना, 4 × 6x − 4। चलिए बनाना है, आराम से बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसा है कि इसको जल्दी जल्दी बनाया जाए। 16x + 12, अब ये मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 18x + −−4 × 3 = 12। 6x − 4 / और इसमें 24x + 18, इसमें −24x − −+16 / 6x − 4। अब इसको आप काट सकते हैं। अब इसको जोड़ घटाव करिए, भीड़ कम करिए थोड़ा, तो 16x + 18 कितना हो जाएगा, 8 और 6 हो जाता है, कितना होता है, 8 × 14, 14 और इधर 34x, ठीक है। और ये +12, ये -12 कट जाएगा, और इसमें देखिए ये 24x, ये -24x कट जाएगा, और +18 यहाँ पर 16, यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 × 14 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 34 34 कट गया, क्या आया, x आया, तो x के बराबर आ गया ना। तो यहाँ पर जो फंक्शन फंक्शन ऑफ क्या था, FOF(x) जो था, यानी कि ये एक तरह से वही ना था, यही ना था, इसी से ना तो शुरुआत किए थे सब। तो ये हमारा कितना आया, x के बराबर, अगेन x के बराबर। तो यहाँ पर देखिए x के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि हाँ ये बराबर है। चलिए ये तो प्रूव हो गया, तो ये तो आपका 1 1 तो है। अब आपको क्या करना है कि ऑन्टो चेक करना है। तो ऑन्टो कैसे चेक करेंगे, ऑन्टो चेक करना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स के लिए ऑन्टो चेक करना ही पड़ेगा। तो क्या करिए कि लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x मान लीजिए। तो आप बोलिए कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्यों मान लीजिए, ऐसे कैसे मान लेंगे, तो इसलिए तो बोल रहे हैं लेट, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए y जो है वो फंक्शन ऑफ x के बराबर है, ठीक है। अब अगर बराबर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा करिए कि जो फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू है ये लिख लीजिए आराम से, 4x + 3 और 6x − 4, ठीक है। अब आपको ये तो लिख लिए, क्या करना है, अब इसमें जो है आपको x का वैल्यू निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बोला, जैसे मान लीजिए x का इसमें वैल्यू निकालना होता तो क्या करते कि x इधर रह जाता और ये जो f है उधर जाता, तो क्या हो जाता, f इनवर्स y। आ रहा समझ में, यानी कि x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, f इनवर्स y। ओके, आ रहा समझ में अच्छे से। चलिए तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इसको जो है उधर ले जाइए इस तरफ, तो ऊपर चला जाएगा 6x − 4। अब y से ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 4x + 3, इससे आप मल्टीप्लाई करेगा 6xy − 4y, 4x + 3। अब ऐसा करिए कि आप x x को इधर खींच लीजिए, 6xy इसको उधर खींचेगा तो −4x हो जाएगा। इज इक्वल टू के बाद जो भी चीज़ रहता है सबसे पहले उसको लिखा जाता है, फिर ये −4y उधर जाएगा तो +4y हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करिए कि x को कॉमन निकालिए, क्योंकि हम यहाँ से आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3 + 4y। अब क्या करिए कि x को अकेला करिए, 3 + 4y ये उधर जाएगा तो 6y − 4 हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि क्या ये बराबर आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा खाली घुमा देंगे थोड़ा सा, तो ये बराबर हो जाएगा। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4y + 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे तो सेम टू सेम लगभग है ही, 6y − 4। अब आप बोलिए कि यहाँ पर तो x x x, यहाँ पर तो y y, तो यही तो है दोस्तों कि हमने यहाँ पर y रखा तो उसका हमको इनवर्स मिल गया x, देख रहे हैं ना, और हमने यहाँ पर x रखा तो उसका इनवर्स मिल गया हमको y। कोई दिक्कत यहाँ तक, आ रहा है समझ में। अब क्या करना है हम लोग को, हम लोग को अब देखिए यहाँ पर करना है व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप आराम से कि
एफ ओ एफ जो है वो बराबर आ गया है एक्स के, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, एफ ओ एफ इज इक्वल टू आई, आई मतलब इनवर्स, ठीक है, लिख दीजिए एफ इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स ऑफ एफ इट्सेल्फ, ठीक है, इट्सेल्फ, बस यही करना था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी था, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है ना, बस रीज़न देना है और आपको बताना है कि क्या ये इनवर्स है कि नहीं, बहुत ही इजी है। तो पता होगा कि आपको इनवर्स तब होता है कोई भी फंक्शन जब वो 1 1 और ऑन 2 हो। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ सच डैट 1 2 3 4 से 10, ओके, विथ जो फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर है वो दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको यहाँ पर बताना है कि इनवर्स है कि नहीं। तो इनवर्स कब होता है, इनवर्स कब होता है, इनवर्स तब होता है जब कोई फंक्शन 1 1 हो और ऑन 2 हो, ठीक है। अब यहां पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एफ सच डैट 1 2 3 4 10, ओके, ठीक है, और यहां पर जो फंक्शन है वो है 1 10 2 10 3 10 4 10, ओके। तो चलिए देखिए यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं, आराम से देखिएगा। जैसे यहां पर 1 2 3 4 है ना, आराम से लिख दीजिए, और यहां पर सिर्फ 10 है, ओके, और यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 का इमेज 10 है, 2 का भी इमेज 10 है, 3 का भी इमेज 10 है, 4 का इमेज भी 10 है, ओके। तो क्या ये फंक्शन है, फंक्शन तो है ये, बिल्कुल फंक्शन है, लेकिन क्या ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सारे का सारा इमेज जो है वो एक ही आ रहा है, ठीक है, सबका अलग अलग नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं बात को, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्या ये ऑन्टो है, ऑन्टो तो देखिए, तो ऑन्टो है क्या, ऑन्टो तो है ये, क्योंकि ये जो जितना भी एलिमेंट था सेट बी के अंदर, मान लीजिए ये सेट बी है, ये सेट ए है, इसका जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा यूज हो चुका है, हो चुका है ना, मात्र 10 ही था और 10 जो है सारे के सारे से मैच कर गया था, तो ये तो ऑन टू है। तो क्या ये हो जाएगा इनवर्स, नहीं होगा, क्योंकि 1 1 नहीं हुआ, अगर 1 1 होता तो हो जाता, ठीक है। तो किस तरह से इसको लिखना है, बस स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, इसमें क्या करना है, रीजन लिख देना है एकदम आराम से। चलिए रीजन को लिख देते हैं। लिख दीजिए कि हमने जो देखा अभी, क्या देखा आपने, हमने देखा ध्यान से देखिएगा, ओहो हो, फ्रॉम द गिवेन डिफिनेशन, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ एफ वी कैन सी डैट एफ इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है, एफ इज मैनी वन फंक्शन एज, किस तरह से लिखिएगा इसको, कि यहां पर कोई भी बहाना दे दीजिए, क्या बहाना देंगे, कि हमारा जो F1, F2, F3, F4 है वो 10 के बराबर है, ठीक है, यानी कि सारा का सारा इमेज जो है वो 10 ही आ रहा है, आ रहा है ना समझ में, बस इसी तरह से आपको लिख देना है। चलिए लिखते हैं, थोड़ा गर्मी यहाँ लग रहा है इसीलिए, यहाँ पर लिख दीजिए इसी तरह से, F4 का जो वैल्यू है वो 10 है, ओके, ये तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो लिख दीजिए कि डैट इज एफ इज नॉट 1 1, ठीक है, तो जो फंक्शन एफ है डज नॉट इनवर्स,
आगे समझ में। अब इसी तरह से सब में काम करना हम लोग को। चलिए काम करते हैं अच्छे से। अब देखिए दूसरा नंबर क्या बोलता है, दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। जी दिया हुआ है, ठीक है, चलिए बनाते हुए सही है, बस चेक करना है कि ये इन्वर्स है कि नहीं। जल्दी जल्दी इसको, बहुत इजी है, क्योंकि इसको झट से जल्दी से कंप्लीट करना है हम लोग को। 5 6 7 8, ओके जी, से लेकर यहाँ पर 1 2 3 4 है, ठीक है। और जी इज इक्वल टू कैसा है फंक्शन, 5 4 6 3 7 4 8 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम इमेज बना दे रहे हैं, 5 6 7 8 है ना, 5 6 7 8, और इसमें 1 2 3 4, ओके जी। 5 का इमेज 4 के साथ है, ठीक है, 6 का इमेज 3 के साथ है, ध्यान से देखिएगा, और 7 का इमेज है 4 के साथ। तो ये तो 1 1 तो अब नहीं हुआ, क्योंकि 6 और 7 का जो वैल्यू है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर ये फेल हो चुका है। और 8 और 2 का जो वैल्यू है ये अब ऑनटो भी नहीं है, क्योंकि 1 छूट चुका है, इसीलिए। तो ये 1 1 भी नहीं है, नहीं है ना, ऑनटो भी नहीं है, क्योंकि 1 1 के लिए सबके लिए एकदम डिफरेंट डिफरेंट इमेज आना चाहिए, और ऑन टू के लिए एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सारे के सारे इमेज इस तरफ उसके मौजूद होने चाहिए, जो कि दोनों नहीं है। तो लिख दीजिए इसी तरह से कि हमने देखा यहाँ पर, फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन ऑफ जी, ठीक है, इट इज सीन दैट जी इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, आ रहा है ना, तो यानी कि वो मैनी वन फंक्शन हो गया। तो लिख दीजिए मैनी वन फंक्शन है ये, ओके, कोई दिक्कत। अब बहाना तो देना होना होगा, कैसे बहाना दीजिएगा, बहाना दीजिएगा कि ये जो G5 है, G5 और G7, यानी कि G5 और G7 का जो इमेज है वो सेम आ रहा है। तो लिख दीजिए G5 इज इक्वल टू G7 इज इक्वल टू 4, इसके कारण ये 1 1 नहीं है, G इज नॉट 1 1, ओके। आ गया समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है कि ये जो है इनवर्स नहीं है, तो लिख दीजिए फंक्शन जी इज नॉट 1 1, ये तो हमने लिख दिया, और लिख दीजिए कि डज नॉट इनवर्स, ठीक है, फंक्शन जी डज नॉट एन इनवर्स, ये इनवर्स नहीं होगा, ठीक है, बहुत इजी था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एच, ठीक है, जो लिखा हुआ लिख देता है जल्दी से, सेम है वैसे ही है, कोई ऐसा हार्ड चीज नहीं है। थर्ड नंबर में एच सच डैट 2 3 4 5 से लेकर यहाँ पर जो है क्या है कि 7 9 11 13, ओके, और एच इज इक्वल टू 2 7 3 9 4 11 5 13, ओके। चलिए ये हमने लिख दिया, और इसमें डायग्राम बना दीजिए जल्दी से, क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5, 7 9 11 13, 2 का इमेज 7 के साथ, ठीक है, 3 का इमेज 9 के साथ, 4 का इमेज 11 के साथ, 5 का इमेज 13 के साथ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वाह क्या डायग्राम है, मस्त वाला है ना। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे के सारे एकदम अलग अलग इमेज है ना, है ना, तो ये तो 1 1 है,
ये वन वन है, ऑन टू है, ऑन टू भी है, क्योंकि यहाँ पर कोर डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे यूज हो चुके हैं, तो ये ऑन टू भी है। ठीक है, तो लिख दीजिए कि ये ऑन टू कैसे है। तो लिखना पड़ेगा, जैसा कि हमने देखा, इट कैन सीन डैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट, कौन सा, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये जो है किससे मैच कर रहा है ना, हैव सेम इमेज। ठीक है, हैव सेम इमेज अंडर एच। ओके, एच एक तरह का फंक्शन है ना, तो लिख दीजिए कि ये जो है वन वन फंक्शन है, फंक्शन एच इज वन वन। ओके, चलिए हमने वन वन तो प्रूव कर लिया यहाँ पर कि सारे के सारे इमेज मौजूद है। अब हमको चेक करना है ऑन टो, तो ऑन टो के लिए क्या लिखना होगा कि लिखिए एंड ऑल्सो एच इज ऑन टो, क्यों लिखना पड़ेगा, एंड ऑल्सो एच इज ऑन टो बिकॉज बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि इसको आप वाई कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ वाई ऑफ द एक्स इन द सेट, कौन सा सेट था, 2 3 4 5, सच डैट एच एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एच इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, फंक्शन को एफ एन डॉट। ठीक है, तो लिख दीजिए कि एच एच हैज एन इनवर्स, हमको तो पता ही था, बस बहाना लिखना था, लिख दिया हमने। ओके, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, बहुत इजी है, कोई ऐसा हार्ड चीज नहीं है। सो डैट फंक्शन, सच डैट, यानी कि यह जो फंक्शन है ये कैसा डिफाइन किया गया है, -1 से लेकर के 1 तक। ओके, रियल नंबर, यानी कि -1 से लेकर के जो 1 है उसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर होंगे होंगे ना, तो गिवेन बाय फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है इज वन वन, कह दिया गया है कि ये जो है फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो वन वन है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ सच डैट -1 से लेकर के 1 रेंज जो है वो एफ। ठीक है, यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि ये वन वन है, वन वन है, ठीक है, तो वन वन है, तो इनवर्स प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो वन वन होना चाहिए, दूसरी बात ऑन टू होना चाहिए, कोई बात नहीं, हम लोग प्रूफ कर लेंगे, आप लोग पढ़े हैं इस तरह का क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चलिए प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सो डैट, ठीक है, कि क्या ये वन वन है, वन वन तो है लेकिन हम लोग को प्रूफ कर लेना है। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं। जैसे यहाँ पर गिवन दिया गया दोस्तों, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत इजी है, एकदम जल्दी जल्दी समझिए और आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वन वन प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि x1 और x2 लेना ना पड़ेगा, याद करिए हम लोग लेते थे कौन से एक्सरसाइज में, 1.2 एक्सरसाइज में, उसी तरह से लेट x1 एंड x2 बी ए रियल नंबर। ओके, तो फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बस आप वन वन लगा दीजिए x के जगह पर, तो x1 by x1 plus 2, और इधर x2 के जगह पर यहाँ पर आराम से x2 plus 2। ठीक है, आ रहा समझ में। अब क्या करिए, दोनों को कंबाइन करिए, इफ फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x1 की जगह पर क्या रखिएगा, x1 by x1 plus 2 इज इक्वल टू x2 by x2 plus 2। ओके, आ रहा समझ में। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर दिखलाना है कि ये दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर हो जाएगा x1 और x2 तब ये वन वन हो जाएगा, नहीं समझे बात को, देखिए ध्यान से देखिए, इधर हम आपको कुछ दिखला रहे हैं,
जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो सेट है, ठीक है, और हमने आपको क्या कहा कि एक्स वन और एक्स टू का जो वैल्यू है वो अगर बराबर हो जाए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हम टू रख देते हैं, तो एक्स वन का वैल्यू भी टू आ रहा है और एक्स टू का भी वैल्यू टू आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये दोनों बराबर हुआ, ये दोनों बराबर हुआ, तो ये अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो वन वन हो जाएगा ना। नहीं समझे बात को, कि यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये भी टू है, इसके जगह पर आप रख सकते हैं ना, आ रहा समझ में, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि एक्स वन और एक्स टू को बराबर दिखलाइए यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स वन ये उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, एक्स टू प्लस टू और ये उधर जाएगा तो एक्स ऊपर चला जाएगा ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम आराम से समझिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इससे आप मल्टीप्लाई करिए एक्स वन एक्स टू, और इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो टू एक्स वन, इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा एक्स टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू, बहुत ईजी है बच्चे की तरह, है ना। देखिए यहाँ पर प्लस एक्स वन एक्स टू है, यहाँ पर एक्स टू इंटू एक्स वन है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए टू इंटू थ्री है या थ्री इंटू टू है तो बात तो बराबर ही है ना, ये अगर मान लीजिए उधर जाएगा, ये पूरा पार्टी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट में ही काट दे रहे हैं इसको, ठीक है, और ये टू और ये टू कट जाएगा, तो बचेगा कितना एक्स वन और एक्स टू, तो आ तो गया एक्स वन के बराबर एक्स टू, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा है, वन वन है, ये कैसा फंक्शन है, वन वन, तो लिख दीजिए दिस फंक्शन इज वन वन, ओके, आगे समझ में। अब क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग को ये करना है कि ऑन्टो दिखलाना है, ठीक है, तो ऑन्टो दिखलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिए थे जो भी, अब यहाँ पर इसके जगह पर हम वाई रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा बात को एकदम ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, यानी कि वाई इज इक्वल टू, लेट वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। अब आप बोलिएगा कि अरे वाई कहाँ से आ गया, वाई क्यों ले लिए, ऐसे कैसे ले लिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर वाई आ जाता है तब ये जो है ऑन्टो हो जाएगा, ठीक है, तो कैसे करिएगा, देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू है उसको लिखिए x बाई एक्स प्लस टू, ठीक है, और क्या करना है अब इससे, अब देखिए ध्यान से कि अब आपको इसमें x का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, क्यों, क्योंकि उससे पता चलेगा कि ये ऑन्टो है कि नहीं, चलिए निकालते हैं, इसको उधर उस तरफ भेजिए, ठीक है, आ गया एक्स अकेला हो गया, तो अब ऐसा करिए उस तरफ भेजिएगा तो ये, हाँ ठीक है, फिर आगे भेजो बनाते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा वाई एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स, ओके, ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक दिख रहा है अच्छे से। अब क्या करना है कि एक्स का पार्टी को इधर खींचिए, ठीक है, वाई एक्स और ये उसको बुलाएंगे इधर, माइनस एक्स हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस टू वाई, कोई दिक्कत, अब यहाँ से एक्स को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, अब x को अकेला करिए माइनस टू वाई बाई वाई माइनस वन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा अच्छे से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू माइनस टू वाई बाई वन माइनस वन, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर माइनस को, इधर टू वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा, ताकि माइनस माइनस करे तो प्लस आ जाए, और यहाँ पर प्लस रखना पड़ेगा आर असल में, और ये माइनस काट दीजिए, एक्स इज इक्वल टू क्या बचा टू वाई, अब इसको घुमा सकते हैं, वन माइनस वाई लिख सकते हैं आर असल में अच्छे से, तो एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आया यहाँ पर टू वाई बाई वन माइनस वाई, वन माइनस वाई, ठीक है।
अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में इनवर्स निकालना है, ठीक है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 2y1 माइनस y है, तो अब आप क्या करिए इसको कि इनवर्स निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y था ना, अब ये इसको उस तरफ ले जाइएगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, f इनवर्स y आएगा ना, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इजी है। तो इसी तरह से निकलेगा, इसी तरह से, यानी कि ये क्या है, x इज इक्वल टू f इनवर्स y है ये, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि f इनवर्स x निकालिए, तो वो भी आप निकाल सकते हैं ना, बस आप क्या कर लीजिएगा, f इनवर्स मान लीजिए x निकालना चाहते हैं, सपोज डैट, तो बस आप क्या करिए कि y के जगह पर x रख दीजिए, आ जाएगा, यही तो था आपका इनवर्स, ठीक है। आगे समझ में, बहुत इजी था, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसी तरह से आपको निपटाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सब अब उसी तरह से है, आराम से बन जाएगा। देखिए, फंक्शन है रियल टू रियल गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है, सो डैट एफ इज इन्वर्टिबल, यानी कि यहाँ पर भी इनवर्स दिखाना है, आपको दिखाना है कि ये एफ जो है वो क्या इनवर्स है, वाट द इनवर्स ऑफ एफ। चलिए उसी तरह से निकालना है, निकालते हैं जैसा हमने अभी तुरंत बनाया। सबसे पहले जो जो गिवन दिया गया उसको लिखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, एफ सच डैट रियल टू रियल, ओके, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x+3, ओके। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर आपको इनवर्स दिखलाना है, तो इनवर्स दिखलाने के लिए सबसे पहले 1 1 निकालना होगा, तो 1 1 निकालने के लिए x1 और x2 को बराबर दिखलाना होगा, लेट x1 एंड x2 बी ए रियल नंबर का ना है सेट, रियल नंबर लिख दीजिए, ठीक है। और उसी तरह से बनाइए, fx1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x1+3, fx2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x2+3। अब इस दोनों को बैठाइए, अब दिखाना है बराबर है लोग तो दोनों को, ठीक है। अब इसके नीचे जो आपका इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है उसको उतारिए, 4x1+3 इज इक्वल टू 4x2+3। चलिए बराबर दिखाते हैं, देखिए प्लस थ्री को उस तरफ ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जानते ही 3 3 कट जाएगा आराम से, और ये 4 4 भी कट गया, तो ऑटोमेटिक आपका x1 और x2 बराबर आ गया, यानी कि ये 1 1 है, आ रहा समझ में, ये आपका 1 1 है। तो लिखिए, फंक्शन f इज 1 1, चलिए 1 1 तो हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि ऑन्टू निकालना है ना, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ओके। चलिए जल्दी से निकालते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू है 4x+3 है, एकदम आराम से रखिए और छट छट तुरंत बना दीजिए, एकदम फटाक फटाक, ओके। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है, पता ही होगा, तो इसको आप ऐसा करिए, घुमा दीजिए ताकि x का वैल्यू निकालने में आसानी हो, ठीक है। 4x अकेला करिए तो y हो जाएगा, 3 को उधर बुलाइए, -3 हो जाएगा, और x को अकेला करिएगा तो y -3/4, कोई दिक्कत आ रहा समझ में, तो x का वैल्यू इतना आया। अब हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू जो है वो सब्सिट्यूट करेंगे कहाँ पर, फंक्शन ऑफ x पे, और चेक करेंगे कि क्या ये y के बराबर आता है, जैसा कि इसके पहले हमने बनाया था ना, उसी तरह से इस पे भी काम करना है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स ना, तो ध्यान से देखिएगा क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x 4x+3, ओके,
फोर एक्स प्लस थ्री, एकदम आराम से देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही इजी है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ाने में। अब यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या रखना है, वाई माइनस थ्री बाई फोर, वाई माइनस थ्री बाई फोर, ठीक है, फोर इंटू वाई माइनस थ्री बाई फोर प्लस थ्री। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करिए तो ये फोर फोर बड़ा ही आसानी से आप काट सकते हैं, वाई माइनस थ्री प्लस थ्री, अब ये थ्री थ्री कट गया, प्लस माइनस माइनस, बचा कितना वाई। आ रहा समझ में, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई के बराबर है, आ रहा ना समझ में अच्छे से। तो ये जो है ऑन टू है, ठीक है, जो फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर वाई आ गया तो ये ऑन टू है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए फंक्शन, देखिए ना हल्का सा गलती हो रहा बार बार, फंक्शन फंक्शन एफ इज ऑन टू, एफ ही फंक्शन है। ओके, आ गया समझ में, बहुत इजी था। तो लिख दीजिए इस तरह से, दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, 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 ठीक है, क्यों, बिकॉज दिस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, क्योंकि ये जो फंक्शन है वन वन भी है ऑन टू भी है, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग को इनवर्स क्या करना था, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं, यानी कि फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि हम लोग को जी ओ एफ एक्स निकालना होगा और एफ ओ जी वाई निकालना होगा, ठीक है, इनवर्स निकालना होगा, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए कि जी ओ एफ निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा, लेट अस डिफाइन डिफाइन जी जो है वो रियल टू रियल है, तो जी ओ एफ एक्स क्या होगा, तो इसको तो जानते हैं आप किस तरह से लिखा जाता है, जी फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो इसका वैल्यू पता है आपको, देखिएगा ध्यान से, जी फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू है, देखिए बुक में देखिए, फोर एक्स प्लस थ्री, तो आराम से फोर एक्स प्लस थ्री लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर आपका फोर एक्स प्लस थ्री लिखा गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब क्या करेंगे कि जी ऑफ एक्स है ना, एक तरह से फंक्शन ऑफ एक्स है, तो क्या है, वाई माइनस थ्री बाई फोर, वाई माइनस थ्री बाई फोर, तो वाई के जगह पर, वाई के जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, वाई के जगह पर फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, फोर एक्स प्लस थ्री, फिर उसके बाद है माइनस थ्री बाई फोर, ठीक है, माइनस थ्री बाई फोर, नहीं है समझ में, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी। जैसे हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है, फोर एक्स प्लस थ्री, उसको हम लोग डिफाइंड किए थे जो कि हमारा एक्स का वैल्यू इतना आया था, ठीक है। अब वाई के जगह पर हमने एकदम ऑटोमेटिक रख दिया वैल्यू, और जैसे था वैसे ही रख दिया, ठीक है। और ये देखिए, ये थ्री और थ्री कट गया, ठीक है, कट गया, और फोर भी कट गया, आराम से कट जाएगा, बहुत ईजी है। तो जी ओ एफ एक्स कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स के बराबर, ठीक है, एक्स के बराबर आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि एफ ओ जी वाई निकालेंगे, ठीक है, एफ ओ जी वाई निकालेंगे, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, जी वाई, ओके, अब जी ऑफ वाई है, ध्यान से सुनिए, जी ऑफ वाई है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको काट देते हैं, इधर जगह नहीं है इसलिए, देखिए अब आपको रखना है जी ऑफ वाई के जगह पर, तो जी ऑफ वाई का जो वैल्यू होता है वो आपका एक्स के बराबर होता है, एक्स के बराबर, ठीक है, तो एक्स का जो वैल्यू है वो है वाई माइनस थ्री बाई फोर, ये आपका हो जाएगा वाई माइनस थ्री बाई फोर। ओके, आगे समझ में, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी अब हो गया,
अब क्या करना है हम लोग को, y माइनस 3/4 अब हम रखेंगे इसके जगह पर, कहाँ पर रखेंगे, हम एकदम आराम से अब रख देंगे यहाँ पर, 4 × 4 × 4x+3 है ना, एकदम आराम से रखिए 4, देखिएगा बहुत इजी है, बहुत इजी है 4, ठीक है, x के जगह पर यही वैल्यू रखना हम लोग को, y माइनस 3/4, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, +3, बस बस हो गया हो गया, बहुत इजी है दोस्तों, दो तीन बार देख लीजिएगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, y माइनस 3, फिर यहाँ पर +3, यहाँ पर -3, बचा कितना y, ठीक है, तो आ गया समझ में, यानी कि हमारा ये FOGY y के बराबर आ गया और GOFX जो है वो x के बराबर आ गया, ठीक है। तो लिख दीजिए कि GOF जो है वो FOG जो है वो इनवर्स, ये R जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, ये इनवर्स है, ओके, बराबर आ चुका है, तो लिख दीजिए कि F इज इनवर्स सिबल, एंड इनवर्स ऑफ F कितना हो जाएगा, इनवर्स ऑफ F इज, इस तरह से लिखिए F इनवर्स, ठीक है, F इनवर्स इज Y इज इक्वल टू जी वाई, वाई माइनस 3/4, वाई माइनस 3/4, ओके, चलिए हटाइए, हो गया, यही तो है, ठीक है, तो आगे समझ में अच्छे से। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तीन चार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इधर का बहुत इजी है, तीन चार बार बनाइएगा तो हवा हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक, ये सब, ये तो बहुत इजी हो जाएगा 13 14, बाकी जो 11 तक है उसको देख लिया जाएगा अगले वीडियोस में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके, अच्छे से पढ़ाई करिए।